आर यू ऑल सेट? हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। किस किस को कॉम्प्लीमेंट मिले रिगार्डिंग देयर स्किन? बिकॉज कई लोग तो घर पे ही थे, कई लोग घर पे ही पार्टी थी। मैं तो खुद को ही कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, देखो देखो, मतलब मुझे तो अपने मतलब आईज के अलावा मुझे अपनी स्किन में इतना जबरदस्त चेंज लग रहा था। मैं कुछ भी नहीं लगाया था, मैं तो लिप ग्लॉस लाइनर भी नहीं लगाया था, बट मेरी फोटोग्राफ्स बहुत मस्त आई। सेंड योर पिक्चर्स। इवन मुझे भी कल अपना फेस इतना ब्राइट लग रहा था, और कल मैंने हेयर पैक के बाद हेयर वॉश किया तो बाल इतने अच्छे, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम सिल्की लग रहे थे, लग रहा था हाथ आराम से नीचे जा रहे हैं। Good. That's amazing, है ना? कितना अच्छा लगता है जब हमें खुद को छुपाना नहीं पड़ता है मेकअप के पीछे, and tons of makeup करके फिर हमें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। बट आज हमें कोई मेकअप नहीं करना पड़ रहा है, एंड वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग आवर सेल्फ, और यू नो पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग अस, एंड यू शुड नेवर एवर एक्सपेक्ट समवन टू कॉम्प्लीमेंट यू। यू नो यू शुड ऑफ कोर्स लव योर सेल्फ एंड यू शुड कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ, विच इज अमेजिंग अमेजिंग थिंग। सो कैन आई? Yeah, please, please, go ahead. So, I'll tell you my story. Actually, my friend, my best friend called me कि मेरे घर पे पार्टी चल रही है, आ जा एंड स्टफ। आई सेड यार न्यू ईयर्स ईव पे ना पॉसिबल नहीं होता, फैमिली के साथ सीन होता है। सो शी सेड नहीं यार मान्या, प्लीज आ जा फॉर अ बिट। आई सेड नहीं यार बिल्कुल पॉसिबल नहीं, एंड शी लेफ्ट द पार्टी। शी सेड मैं आती हूँ तेरे घर, तू रहने दे, तू बोरिंग हो चुकी है बहुत ज्यादा, बस घर पे बैठी रहती। मैंने कहा तू आ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। एंड बाय द टाइम शी केम अराउंड 11:30 रात को, शी केम फॉर अ स्टे, एंड आई हैड माय ट्रे रेडी फुल, फिर मैंने सब कुछ बना के रखा था। आई सेड तू आ जा, हम न्यू ईयर्स वगैरह करके ना सब कुछ रात में स्किन केयर करेंगे। एंड मैं लिटरली रात के 2:30 बजे सब कुछ वो पैक में उसको सिखा रही हूँ द इम्पोर्टेंस, कौन सा पैक है, क्यों है। एंड हमने लिटरली रात को 2 बजे पूरा स्किन केयर किया। एंड शी इज लाइक वाओ यार मान्या, सच्ची में काम कर, तू मेरे लिए बनाना स्टार्ट कर दे हर रोज। और अदरवाइज शी इज वेरी कॉन्शियस कि उसको एक्ने रहता है, तो मैंने कहा नहीं नहीं ये सब ऑर्गेनिक है, सूट करेगा। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, एंड हमने तो अपना न्यू ईयर ऐसे मनाया रात को स्किन केयर करके, तो बड़ा मजा आया। Wow. That's an amazing story, है ना? ऐसी कोई बात शेयर करके तो लगता है शिट यार हमें भी करनी चाहिए थी, अपनी फ्रेंड्स को बुला लेना चाहिए था। But I know when you get married, तो ये सब possible नहीं होता, but why? I had a different version of my new year. I am Jain by my religion and by my faith. So basically, हमारे गुरुजी आए हुए हैं। So I like to talk about soul and spirit. So I was talking to them till like 10:30 or something. And I think it was so soulful this new year for me. And sone se pehle, I was thanking you so much that you remind us every day ki raat ko CTM karo. I did a CTM and I was like, ye to SD ko bhejna padega. Good, good. That was amazing, huh? You should always do your CTM, and I will try my best कि मैं normally आप लोगों को remind कराऊं, but कभी-कभार मैं भी शायद भूल जाऊंगी even after the workshop. So मैं I am telling my team कि ऐसा कोई you know software ढूंढो जिससे मैं इनको regularly reminders set कर दूं, so that you all can you know you should never ever miss your CTM. आपकी जो audio आती है ना, हम भले ही नहीं करना चाहते होते, हमारे खुद के भी बचते होंगे क्लॉक्स वगैरह, सबके अलार्म्स बचते होंगे, बट हम लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं, बट आपका जैसे ही ऑडियो आता है ना, उस टाइम या तो हम कर रहे होते हैं या फिर नहीं करने वाले होते हैं, तो वो देखते ही हम ऐसे होते हैं कि शी इज पुटिंग इन दिस मच एफर्ट, इतना तो हम कर सकते हैं। गुड, व्हिच इज अमेजिंग। यस आशु, आशु आल्सो वांट्स टू से समथिंग। यस आशु, गो अहेड। यू आर राइट शिखा, मतलब ये जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, ये समटाइम्स हमें बहुत अच्छा एक वो दे जाते हैं। आफ्टर द ज्योति टेस्टिमोनियल ना, इवन आई थॉट, मेरी नीचे ननंद है, उसकी अभी बेबी हुआ है, तो उसका स्किन इतना डल सब कुछ, क्योंकि अभी छोटी है उसकी बेबी, तो वो केयर नहीं कर पाती। मुझे ज्योति के टेस्टिमोनियल के बाद लगा यार मुझे उसको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए CTM की, और उसको इतना अच्छा लगेगा, मतलब ही है, मैं उसको बनाकर दे सकती हूँ, सीरम्स बनाकर दे सकती हूँ, क्लींजर्स बनाकर दे सकती हूँ, कि तू सिर्फ इनको यूज कर और तू मुझे बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स भेज, तो मैं शिखा को भेजूंगी। शिखा, तेरी वजह से मैंने किसी को मोटिवेट किया और उसने अपनी स्किन का केयर कर इतना चेंज लाया। सो आई विल पॉजिटिवली शेयर हर बिफोर पिक्चर्स, एंड अभी वो अपनी मायके गई हुई है, शी विल कम बैक ऑन 10th, उसके बाद मैंने उसको 14 डेज CTM करवाना ही करवाना है, एंड आई विल पॉजिटिवली शेयर यू पिक्चर्स। गुड गुड, दैट्स अमेजिंग। यू नो मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ, ये वर्कशॉप आपने करी तो अपने लिए थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नो आप सबकी हेल्प कर रहे होगे, एंड दैट इज वेरी गुड। जैसे वो बोलते हैं ना, सब लोग देखो हम सब अपने लिए ही जीते, अपने लिए ही करते हैं ये वर्कशॉप। जब मैंने स्टार्ट करी थी तब मैंने
अपने लिए ही करी थी कि मेरा यार मेरे को टाइम पास करना था, मुझे लॉकडाउन में बोर नहीं होना था, रोना नहीं था कि मेरी शॉप कब खुलेगी या चली जाएगी तो मुझे मालूम ही नहीं था। बट जब भी मैं करने लग गई और लोग यू नो थ्रू आउट द वर्ल्ड जुड़ने लग गए, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार सब कुछ अपने लिए ही करना है, दूसरों के लिए भी करो यार, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लो। और इनिशियली तो मैंने 21 डेज बहुत फ्री ही करे थे, कोई चार्जेस नहीं लिए थे किसी से भी। बट देन समबडी टोल्ड मी कि शिखा यू नो हमें भी अजीब लगता है कि रोज आते हैं, इतना आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बेसिक अमाउंट जरूर जरूर लो। एंड आई गेस दैट वॉज मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उनका एक वेबसाइट भी है अपना। So then, because of her, Renu Dhingra, her name is Renu Dhingra. Renu told me that Chika, start taking few amount, some amount from us, so that we should not feel that we are burden on you. So that's how I started by taking, you know, small amounts, and then slowly and gradually, I'm here till I have reached here because of all of you and because of your support and love. तो मुझे यही लगा कि यार हमेशा अपने लिए ही करना है, दूसरों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेके तो देखो बहुत 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 अच्छा लगता है और रात को नींद बहुत अच्छी आती है। आप कितने भी थके हो तो मैं आप सबको भी यही बोलूंगी, एक रेजोल्यूशन बनाओ न्यू ईयर में, अपनी स्किन का ध्यान तो रखो ही रखो बट दूसरों को एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लो, एक एक्स्ट्रा कदम, एक एक्स्ट्रा सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो या एक वॉइस मैसेज, यार कम ऑन योर स्किन वॉज लुकिंग वेरी डल, वेदर शी इज योर सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर यू नो फ्रेंड और वट एवर, उनको भेजो, बोलो कि अपनी स्किन का ध्यान रखो, आई एम सेंडिंग यू नो फ्यू थिंग्स फॉर यू, यू ट्राई इट, और भेज दो उनको, कोरियर करा दो उनकी रेसिपी, उनके लिए बना दो, पहले उनसे स्किन टाइप पूछो और फिर बना के भेज दो, दे विल फील रियली रियली गुड, ट्रस्ट मी। ओके, सो ट्राई एंड डू दिस, एटलीस्ट नॉट फॉर मी, फॉर योर सेल्फ। आई लव यू दैट शिया बटर मॉइस्चराइजर इतना ज्यादा कि मैं कल अपनी मम्मा के जा रही हूँ तो मैं उनके लिए बनाकर लेकर जा रही हूँ, स्पेशली बोलकर मम्मा इसको ट्राई करो, अगर पसंद आए तो शिखा को जरूर एक थैंक यू भेजना। थैंक यू सो मच। शिखा, कैन आई से समथिंग? यस डार्लिंग, व्हाई नॉट, गो अहेड। कल मैंने अपना सीटीएम 230 किया रात में। रियली? हाँ। इवन आई डिड दैट टू। मैं जब भी कर मतलब मेरी जो मोटिवेशन होती है वो सिर्फ आप होते हो, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आपने ये कोर्स शुरू किया, हम लोगों ने पहले फीस दे दी कोर्स होने से पहले, फिर भी आप इतनी ज्यादा पेंस लेते हो, आप सबसे इतने अलग हो, इतने अलग हो, आई कांट टेल यू। मेरी पहले दिमाग में ये था कि जब तक मैं आपको नहीं जानती थी मुझे ऐसे लगता था कि आप थोड़े ना प्राउडी से हो, लेकिन जब मैं आपसे मेरी इंटरेक्शन हुई मतलब मेरा पूरा नजरिया बदल गया। You are so down to earth, इतने polite, इतने responsible, और इतना time दूसरों के लिए निकालना, मतलब मैं उस time में I was मतलब मुझे इतनी हैरानी हुई थी कि मैंने एक दिन आपको रात को मैसेज किया था, कुछ क्वेश्चन पूछा था और इमीडिएटली आपने पढ़ते ही उसको उसका आंसर किया। फिर उसके बाद एक दो बार ऐसा वापस हुआ तो मुझे यही लगा कि आप अगर वो पढ़ लेते हो तो उसके बाद रिस्पॉन्ड जरूर करते हो, अगर टाइम नहीं मिला है, थोड़ा डिले हो गया है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ा और उसके बाद लेट इट गो, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरी जो पूरी जो वो थी ना आपके लिए वो पूरा बदल गया, और आपकी आपके अंदर इतनी क्वालिटीज है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं हो, क्योंकि ये जो कोर्स आपने इतने रीजनेबल अमाउंट में रखा, उसके बाद आपने वो भी दिए हमें गिफ्ट्स भी दिए, तो मुझे ये लगा इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतने दिन 14 दिन, और उसके बाद उससे पहले से ही 15 दिन पहले से ही आपने वो इंग्रेडिएंट भेज दिए, दिमाग खाना शुरू कर दिया होगा हम सब ने आपका, तो इतना लंबा टाइम, इतना टाइम देने के बाद और इतना रात रात को 11:30 उसके बाद सॉरी डियर मैं भूल गई, अब आप सीटीएम कर लो, तो वो मोटिवेशन, तो मैं जब भी सीटीएम कर रही होती हूँ तो मुझे आपकी आवाज कानों में आ रही होती है, भले ही वो मैसेज मैंने सुना हो या नहीं सुना हो। और जो 230 वाला है वो ठंड के दिनों में बहुत आलस आता है, लेकिन आपकी आवाज कानों में वो मोटिवेशन, और उसके बाद जब आप रोज अपनी स्किन के अंदर चेंज देखते हो ना, तो वो इटसेल्फ ही इतना मोटिवेटिंग होता है, और हर उस के साथ आपके लिए थैंक्स और ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि आप सबको यू नो
अच्छा लगा और स्किन अपनी अच्छी लगी, मेरी तारीफ तो बाद में, बट आप लोगों ने वो करा उसके लिए आई एम रियली 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड यू विल बी रियली हैप्पी इफ यू विल स्टिल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू नो. सो आपको लॉन्ग रन में भी, सच्ची बता रही हूँ, ना ज्यादा मेकअप्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही फेशियल्स की जरूरत पड़ेगी. ये मुझे कहना नहीं चाहिए बिकॉज आई एम इन टू ब्यूटी इंडस्ट्री बट आई रियली डोंट गिव अ डैम उसमें सैलून मेरा चले नहीं चले उसका इफेक्ट हो बिकॉज यू नो माई टीम रेगुलरली टेल्स मी मैम ये मत बोला करो कि हेयर स्पा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं बोलती हूँ क्यों क्यों नहीं बोलूँ, सच तो यही है ना. तो बोलते हैं मैम सब चीज सच नहीं होती है, यू नो डोंट बी सो ट्रू टू एवरीबडी, यू नो यू शुड ऑलवेज कीप बिजनेस इन योर माइंड. आई सेड सी एवरीथिंग इज नॉट बिजनेस, यू नो बिजनेस फिर आ जाएगा, आएगा भी चला भी जाएगा, बहुत अच्छा भी हो जाएगा. जैसे अभी भी मैंने टाइम देखा, जब ट्रस्ट मी जब मेरी शॉप जा रही थी मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, आई एम बैक टू जीरो, व्हाट विल आई डू, मेरी आइडेंटिटी चली गई. बट देन दीज ऑनलाइन प्रेजेंस और मुझे ऐसा लगता है सच में ऊपर वाले की कोई मेहर हो गई, इतना प्यार. इतने मेरे क्लाइंट्स कभी भी नहीं थे, इतने मेरे स्टूडेंट्स आज तक नहीं थे जो ये ऑनलाइन क्लासेस करते 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 आज मैं सच्ची बता रही हूँ आई एम सो हैप्पी. जब लोग मॉरिशस से ज्वाइन कर रहे हैं, US से ज्वाइन कर रहे हैं एंड सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर रहे हैं. अभी देयर वाज वन ऑफ माय क्लाइंट, हर नेम इज वहीदा, नो हर नेम इज समथिंग एल्स एंड हर ब्रदर केम टू माय स्टूडियो जस्ट टू पिक अप ओजोन ब्रशिंग मशीन एंड अ क्लिंजिंग टूल एंड आई वाज zapped जब उसने मेरे को बोला दैट मैम आई हैव डन द ट्रांजैक्शन एंड आई एम हर ब्रदर. I'll tell you her name and she was from Saudi and I told her यार सऊदी में बहुत मिलता है सामान, आप ढूंढो. उसने कहा सामान बहुत मिलता है पर ट्रस्ट नहीं मिलता है शिखा. जो ट्रस्ट मुझे यहाँ मिला, जो मेरे को रेसिपीज से इतना इम्प्रूवमेंट आया वो कभी नहीं आया. आई डोंट वॉन्ट टू गिव माई मनी टू एनी वन हुम आई डोंट ट्रस्ट. तो आई सेड यार थैंक यू सो मच एंड हर ब्रदर पेड मी ऑनलाइन एंड आई वॉज रियली अमेज्ड. सो गुड, थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. यस कामना, आज हम थोड़ी तो बातें ज्यादा करेंगे फिर बिकॉज आज लास्ट डे है, कल से मिलेंगे नहीं. और मुझे अंदर से ना थोड़ी आई शुड नॉट से दैट बट मुझे ना एंग्जाइटी हो जाती है दैट यू नो फिर सब कुछ छूट रहा है, सब जा रहे हैं. सो मेरे लिए ना वो गुड बायस थोड़े मतलब मुश्किल हो जाते हैं. सो यस कामना, लेट्स नॉट गेट इन टू इट, लेट्स यू टॉक अबाउट. हाई दी. Hi. Hi, Dee. Happy New Year and Happy New Year to all of you. आपको तो पता ही है मैंने 14th of December को join किया. तो थोड़ा सा मतलब circumstances कुछ ऐसे हो गए थे और travel कर रही थी तो मैं सोच रही थी करूँ नहीं करूँ, कैसे time दूंगी because थोड़ा सा personal issues थे तो मैंने कहा time नहीं दे पाऊंगी, मैं कर नहीं पाऊंगी. 14th was like मैंने कहा यार अब तो कल last day है अब तो मैं कर ही लेती हूँ. मैंने कहा पहले भी किया है, 14 भी किया है, 21 days भी किया है. मैंने कहा I have lots of stuff to go with, like बहुत कुछ सीखा भी है, मैं उसमें से ही कर लूंगी यार कैसे करूंगी. फिर मैंने कहा कि नहीं यार ये 1-to-1 का नहीं मिलेगा और न्यू गर्ल गैंग से मिलने का मौका तो फिर मुझे मिलेगा ही नहीं. तो दैट थिंग जो मुझे एकदम लगा कि मैंने कहा नहीं यार करना ही है. 14 की नाइट को मैंने आपको बोला था 1 बजे, मैंने कहा हाँ मैं कर देती हूँ ट्रांजैक्शन करिए. मैंने आई वाज ऑन द एयरपोर्ट एंड मैंने कहा हाँ दी मैं ज्वाइन करूंगी एंड यू वर देयर. मतलब मिडनाइट का टाइम था एंड आई वाज लाइक यार क्या है यार ये बंदी, उधर रात को 1 बजे बात करिए हाँ यू कैन पे मी जो भी कैसे करना है आराम से. मुझे लगा ही नहीं कि मैं लेट हो गई या मेरे को अभी तक मेरे पास लिस्ट ही नहीं है. मैंने कहा ठीक है एटलीस्ट मैं सामने होंगी, मैं अभी सीख लूंगी स्टाफ में बाद में ले आऊंगी. एंड दैट मोमेंट मैंने कहा यार थैंक गॉड मैंने ज्वाइन कर लिया, अदरवाइज मैं बहुत कुछ मिस कर जाती और इतने न्यू पीपल हैं जिनसे मिलने का मौका फिर मुझे नहीं मिलता. जैसे और तो सबसे काफी मिले हुए तो बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल एंड रियली थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ यू. बहुत मजा आता है और बहुत एंजॉय करती हूँ सबके साथ. थैंक यू सो मच डार्लिंग. एंड यू नो ये सब मैं क्यों कर पाती हूँ, ट्रस्ट मी मैं अकेले ये सब नहीं करती हूँ. मेरे पास बैक एंड टीम है जिनको मैं भी रात के 12 बजे 1 बजे मैसेज डालती हूँ, ईमेल्स गई अपडेट करा ऐप पे. सो यू नो ये बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता. सो ऑफ कोर्स विद योर सपोर्ट विद योर एप्रिसिएशन दैट गिव्स मी ऑलवेज हाई एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू डू दिस काइंड ऑफ क्लासेस एंड आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू आई विल बी कीप ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ क्लासेस एंड आई विल अपग्रेड माई सेल्फ एज वेल ऑन अ डेली बेसिस एंड टॉप ऑफ इट आई विल बी ऑलवेज कीपिंग द अमाउंट वेरी 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 मिनिमलिस्टिक
specially to my students so that whenever you are spending the amount, you should not feel ki yaar Shikha ki classes to achhi hai par badi mehengi hai. I will always make sure ki aapko hamesha ye lage Shikha ki classes to bahut achhi hai par amount bahut chhota hai. So that's the way I think. So I can touch a million life, you know. Tabhi main logo tak pahunch paungi kyunki bahut mehengi cheez har koi afford nahi kar sakta hai. I know aap sab kar sakte ho but shayad kuch log nahi kar sakte. And on top of it, ingredients bhi hote hain. So I want to always keep my tuition fee very, very, very low. So let's refrigerator ka ek shelf mein sirf mera saman hi rakha hai. So my mother-in-law was like, ki jagah kahan chali gayi, kya rakh rahe ho tumne ye sab? Maine kaha mama face pack aur toners hai. Maine kaha chalo aapka papaya facial karti hu. Maine kal unka kiya. Maine kaha packet mein ke chodo, aapka naturally karti hu. Unhone karaya and she was like, wow yaar aaj to maza aa gaya. Yes, and you know, बहुत अच्छा हुआ अभी कामना ने ये बात बोली. आज ही मेरी छुट्टी का दिन है जो आज मैं काम नहीं कर रही हूँ और kind of I'm planning कि what I have to do in the upcoming days. जैसे अभी आप सबको बताया कि कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना यही है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. So what I'm planning, I'm only off on today. I am planning to bring few kind of mini organic facials for all of you. So that you all can do your own facials at home. I know कि इस time पे you know आप अपने hair color, color touch up, straightening ये सब तो कराने जाते हो, but you do not want to you know you do not want to come in contact with a person who's touching your skin. Of course, the reason is again corona and mutant and so many other things. So I'm bringing to your platter mini facials, mini organic facials which you can do at your home. You can do for your loved ones as well. And they will be fantastic. I'm promising you this one, and I'm planning on these things. I'm, you know, working on. I should not say planning. I'm working on these things, but from tomorrow, and I'll be revealing all these things to all of you soon. Okay, and I hope so. You all will love it. And before jumping onto anything else, what I'm planning, I'll slowly and gradually I'll reveal each and everything. So how you are feeling today? In one word, describe how was my 14 days of skin and hair care program. Fast, quickly. Amazing. Absolutely amazing. Listen. One word or sub saath mein bolenge. Theek hai, decide kar lo aapas mein. Let's say amazing. Awesome. Let's do it together, girls. One, two. On the count of three. खाना तो खाया ही नहीं है किसी ने. Perfect. Virtual kisses to you. You're welcome. Bye. And see you. Happy New Year. God bless you. Happy New Year. See you. Love you all. See you soon.